अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी मूडी। आज मैं बना रही हूँ बनाना चॉकलेट ब्रेड, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपको। तो चलते हैं व्यूअर्स अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले पैन में मैंने ले लिए 2 बनानास और उसको मैंने रफली कट कर लिया। फिर हमने इसमें डाल दी 1/2 कप शुगर, 1/4 कप ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसे कर लेंगे मैश। मैशर से अच्छे से मैंने इसे कर लिया मैश। तो देखें यहाँ पे एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। अब मैंने इसमें 2 eggs डाल दिए। eggs डाल के मैंने इसको कर लिया विस्क। अच्छे से आपने इसे करना है विस्क और ये एक स्मूथ सा हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर इसमें मैंने डाल दिया 1 cup मैदा, 1/4 cup कोको पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा एंड 1/2 teaspoon दालचीनी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे अच्छे से। और अब हमने एक स्पून ले लेना है और स्पून से ही हमने इसे कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे हमारा ये एक अच्छा सा बैटर रेडी हो चुका है। अब लास्ट में इसमें 1 teaspoon हम डाल देंगे वेनिला एसेंस और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब लास्ट में मैंने इसमें 1/4 cup ले लिए चॉकलेट चिप्स और वो इस बैटर में हमने डाल देने हैं। व्यूअर्स यहाँ पे जो ब्रेड का बैटर है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने एक ले लिया पैन और उसको मैंने बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लिया और सारा जो ब्रेड का मिक्सचर था वो उसमें डाल दिया। और 4 sides जो हैं इसकी वो हमने इक्वल कर लेनी है ताकि ये बेक होते हुए कहीं से भी ज़्यादा कहीं से कम राइस ना हो, इक्वली राइस हो। तो लास्ट में आपने डाल देने हैं इसमें चॉकलेट चिप, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं इसे। साथ ही मैंने पैन को रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तो 15 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं। अब मैंने एक स्टैंड रख दिया इसमें पैन में और फिर जो मोल्ड था वो हम रख देंगे और इसे कर देंगे कवर फॉर 45 मिनट्स। तो व्यूवर्स 45 मिनट्स के दौरान आपने बिल्कुल भी इसको कवर को हटाना नहीं है, अदरवाइज़ ये एयर चली जाती है इसमें तो ये सही से जो राइस नहीं होती और अंदर से भी कच्ची रह जाती है। तो यहाँ पे देखें हमने टूथपिक से चेक किया है तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बेक हुआ है ये माशाल्लाह से। तो व्यूवर्स अब जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम इस पे से जो बटर पेपर है वो भी उतार देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर इसका उतार दिया है और इसको डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट सी हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हुई है। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि कितनी स्पॉन्जी सी ये ब्रेड रेडी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट है। व्यूअर्स आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी बनाना ब्रेड कैसी बनी है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखिएगा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।